ये न्यू बिल्डिंग बन रही है 400 गज की, इसमें दीवारों में निस पहले से ही बना रखी है, प्लस माइनस जो दिख रहा है ये सामने, ये निस है, डिजाइन है ये। इसमें वायरिंग होके लाइट का सिस्टम रहेगा और इसकी शटरिंग खुल चुकी है, अभी 25 दिन पहले ही इसका लेंटर डाला था, 16 दिन में इसका शटरिंग खुल चुकी थी। और ये शटरिंग का सामान है, प्लाई है और ये लोहे के जैक हैं जिस पे शटरिंग रुकती है, और ये अभी शटरिंग लगी भी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पीवीसी ड्रेन पाइप है, डब्ल्यूसी पाइप है, रेन वाटर पाइप है, ये सब अभी ओपन है, इनको भी ब्रिक वर्क करके कवर किया जाएगा। दोस्तों कोई क्वेरी हो सिविल इंटीरियर से रिलेटेड तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे सुधार कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये कॉलम है, 2x9 का, स्टेयर केस, और स्टेयर केस के बगल में लिफ्ट, लिफ्ट का प्रोविजन आजकल हर जगह कोठियों में होता है, जरूरी भी है, चार मंजिल चढ़ते चढ़ते आदमी की सांसें फूलने लगती हैं, इसलिए लिफ्ट होना जरूरी है, एक दो मंजिल चढ़ना हो तो आदमी चढ़ जाता है। ये देखिए ये पूरा पार्किंग एरिया है, और ये बैक साइड में जो तेज रोशनी आ रही है ये ओपन शाफ्ट है, ओपन स्पेस है वेंटिलेशन के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छत पे, पहले फ्लोर पे। ये कंक्रीट का जीना है, अब हम पहली छत पे आ गए हैं जिसको हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। छत पे आते ही सबसे पहले लिफ्ट, लिफ्ट की ओपनिंग है, अब ये यहाँ पे बीम के लिए शटरिंग चल रही है, नीचे से जैक लगा के साइडों में प्लाई के बैटन्स लगा के इसको कवर किया जा रहा है, जिससे कि ऊपर से कंक्रीट डाल के बीम बना सकते हैं। साइड की दीवारों के कॉलम भर चुके हैं, जो हाइट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ब्रिक वर्क हो चुका है, सैनिटरी के पाइप पीवीसी पाइप डल चुके हैं, सीपीवीसी तब डलेगा जब यहाँ पे कंप्लीट छत हो जाएगी, पार्टीशंस ब्रिक वर्क के हो जाएंगे, उसके बाद बाथरूम में झिरी काट के सीपीवीसी के पाइप लगाए जाएंगे, 1/4 इंची, 1 इंची और 1/4 इंची के, एज पर रिक्वायरमेंट। ये अभी कॉलम की सेटरिंग चल रही है, इसके बाद ये जो ओपन स्पेस दिख रहा है ये छत वाला एरिया है, फिर इसकी शटरिंग होगी, उसका मटेरियल ये यहाँ पे रखा हुआ है,
और फिर से काली पन्नी इसलिए लगाते हैं कि बगल वाली बिल्डिंग में चुनाई की वजह से जो गीलापन है, सीलन है, वो बगल वाली बिल्डिंग में क्रॉस होके ना जाए। इसलिए दोनों बिल्डिंगों के बीच की जो दीवार होती है उसमें हम काली पन्नी लगाते हैं। काफ़ी मोटी पन्नी होती है ये। सामने मसाला बनाने वाली मशीन है, सेटिंग हो रही है कॉलम के लिए, सॉरी बीम के लिए। ये ब्रिक वर्क हो रहा है, ये बसंत मिस्त्री हैं हमारे, ये ब्रिक वर्क कर रहे हैं पूरा क्वालिटी से। अब ये 4 फुट की हाइट से ज्यादा हो गया इसलिए पेड़ बांध रहे हैं। बसंत यहाँ पे पन्नी क्यों नहीं लगाई तुमने? पन्नी पन्नी लगेगी, पन्नी लगाओ, ये पन्नी लगाओ, ये तो बगल वाली बिल्डिंग में सीलन चली जाएगी फिर दिक्कत करेगी, उधर सीलन चली जाएगी फिर दिक्कत होगी। हाँ पन्नी लगाओ, यहाँ इस वाली दीवार पे मुझे कहीं भी पन्नी नहीं दिख रही है, हर जगह पन्नी लगाओ यहाँ पे, ठीक है। देखिए इधर ये पन्नी लगा रखी है, बट दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है उसमें पन्नी नहीं लगाई, गलती से इन्होंने, वो मैंने इनको बोल दिया है वो पन्नी लगा देंगे, जिससे कि बगल वाली बिल्डिंग में जो पीओपी हो रखी है, दीवार पे प्लास्टर हो रखा है, पेंट हो रखा है, उसमें सीलन ना जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आप सभी दोस्तों से निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।